गोल्डी लॉक्स और तीन भालू। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था गोल्डी लॉक्स। एक दिन वो जंगल में टहलने निकली। टहलते टहलते वो अपना रास्ता भटक गई और तीन भालुओं के घर पहुंची। घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर तीन सूप के बोल रखे थे। सबसे पहले बोल में से सूप चखा, वो बहुत ही गर्म था। उसने दूसरे बोल में से सूप चखा, वो बहुत ही ठंडा था। उसने तीसरे बोल में से सूप चखा, वो एकदम बढ़िया था। वो फट से सारा सूप पी गई। सूप पीने के बाद गोल्डीलॉक्स थक गई। उसे बैठने के लिए तीन कुर्सियां दिखी। सबसे पहली कुर्सी बहुत बड़ी थी, दूसरी कुर्सी वो भी बड़ी थी, तीसरी कुर्सी एकदम बढ़िया थी। जैसे ही गोल्डीलॉक्स उस कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई। अब गोल्डीलॉक्स बहुत थक गई थी। वो बेडरूम में गई। बेडरूम में सोने के लिए उसे तीन पलंग दिखाई दिए। सबसे पहला पलंग बहुत ही कड़क था, दूसरा पलंग बहुत ही नरम था और तीसरा पलंग एकदम बढ़िया था। गोल्डीलॉक्स उस पलंग पर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद तीनों भालू अपने घर लौटे। उन्होंने देखा कि किसी ने उनका सूप पिया था। पापा भालू और मामा भालू बोले, कौन है जिसने हमारा सूप पिया है? और बेबी भालू बोला, कौन है जिसने मेरा सूप पिया और सारा खत्म कर दिया है? आगे उन्होंने देखा कि कोई उनकी कुर्सियों पर बैठा था। पापा भालू और मामा भालू बोले, कौन है जो हमारी कुर्सियों पर बैठा था? और बेबी भालू बोला, कौन है जो मेरी कुर्सी पर बैठा था और मेरी कुर्सी तोड़ दी? उसके बाद तीनों बेडरूम में गए। उन्होंने देखा कि कोई उनके पलंग पर सोया था। पापा भालू और मामा भालू बोले, कौन है जो हमारे पलंग पर सोया था? और बेबी भालू बोला, कौन है जो मेरे पलंग पे सोया था और अभी तक सो रहा है? उन तीनों की आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स उठ गई और वो बहुत डर गई थी। वो खिड़की से बाहर कूदी और सीधा भागते हुए घर पहुंची। उसने घर जाकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, आज के बाद मैं कभी भी जंगल में अकेले टहलने नहीं जाऊंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे।